गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जी। गुड मॉर्निंग, चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम आपको आज पढ़ाएंगे क्या समस्या की हम लोग चर्चा किए थे इसके पहले, ये बालक और किशोरों की कौन कौन सी क्या होती है समस्याएं होती हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखें क्या कि आज के बालक किशोर की समस्या, कहने का तात्पर्य कि पहले के बालक और किशोर की हम समस्या देखे थे जो सभी में क्या होती है एक समान थी, लेकिन आज के समय में कुछ बालक हैं उनकी समस्या कैसी है उस पर हम लोग चर्चा किए थे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ठीक है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ये पेपर वन है, पेपर वन CC1 फर्स्ट ईयर, एक टू पेपर DLED के लिए, क्या दोनों समान है, ठीक है। मैं MD अशरफ गर्दी, चाणक्य BEd कॉलेज BTM। YouTube पे जाइएगा तो चाणक्य BEd कॉलेज का नाम सर्च कीजिएगा, ये भी है, तो उसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अशरफ चाणक्य बेतिया भी सर्च कीजिएगा, उस पर भी क्या है अपलोडेड वीडियो है, फेसबुक पे है, तो आप इस पर क्या कीजिए, इस वीडियो के देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपकी जो कुछ समस्याएं हैं उस समस्या को कहिए, बोलिए, समझिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, उस क्वेश्चन का नाम है कि आज के किशोरों के किशोरियों के मानसिकता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पे वो कौन कौन से कदम उठाने के लिए तैयार तत्पर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, आज के किशोर किशोरी के मानसिकता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर कौन कौन से कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। जी साफ साफ दिखाई दे रहा है, आवाज भी अस्पष्ट सुनाई दे रहा है आप सभी को, जी बहुत अच्छा। तो अगर अस्पष्ट दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा और बोल्ड किया जाएगा, थोड़ा और बोल्ड लिखा जाएगा, सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आज के किशोर किशोरियों के मानसिकता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पे कौन कौन से कदम उठाने के लिए तत्पर जो क्या होते हैं तैयार होते हैं, ठीक है। तो वो समस्या आपके और हमारे साथ भी होती है, ऑलरेडी है, अगर हम पढ़ रहे हैं अच्छा से, हमें मार्क्स अच्छा नहीं आता है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हमें नौकरी अच्छा नहीं मिलती है, तो हमारे मानसिकता के अंदर कौन कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अपने आप में सोचिए, आप लोग सोचिए, आपको समय दे रहे हैं एक मिनट के लिए। देखिए मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालक बालिका किशोर किशोरी कि मानसिकता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर उनमें क्या होती है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, अनेक प्रकार की सोच उत्पन्न होती है, और वह सोच कौन सा होती है, वो सोच कौन कौन सी होती है, ठीक है, आप लोग बताइए। उसके प्रतिकूल, उसके अपोजिट, उल्टा कुछ करने के लिए क्या होते हैं, वो तैयार होते हैं, प्रारंभ होती है। जब प्रारंभ में अगर आपके मानसिकता के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले आप में क्या होगा, आपका जो मनोबल होगा क्या होगा, उदासीनता की भावना उत्पन्न होगी, और उस उदासीनता की वजह से आप किसी से अच्छा से बात नहीं कीजिएगा, न किसी से कुछ बोलिएगा, न किसी से आप बात कीजिएगा, न किसी को क्या कीजिएगा सुनिएगा,
ठीक है। अब उसके बाद सेकंड में क्या होगा, विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है, उदासीनता, उदासीनता, विद्रोह, उसके साथ साथ क्या होगा, उपेक्षा, इटीसी। इतना तो अस्पष्ट दिखाई देगा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बालक हो, कोई भी किशोर किशोरी हो, कोई भी लड़का हो या लड़की, जब उसके मानसिकता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा तो ये सारी प्रवृत्तियां क्या होगी उसमें ऑलरेडी दिखाई देगी। फर्स्ट में हम क्या बोले, उदासीनता, उदासीन रहेगा, जहां रहेगा वहां मौन रहेगा, ना किसी से बात करेगा, ना किसी से बोलेगा, ना किसी से क्या करेगा, वो कुछ समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा क्या, उसमें विद्रोह की भावना, अगर आप उसे कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो क्या होगा, आप पे वो ज्यादा हावी होगा, ज्यादा गुस्सा होगा, ज्यादा ईगो की भावना दिखाई देखेगा। अगर मानते हैं कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तैयारी करता है, कंपटीशन हो या क्लास का हो, उसका मार्क्स नहीं, अगर उस पर कोई दूसरा व्यक्ति जाकर टिप्पणी करे, अरे कैसे एग्जाम दिया, क्या दिया, क्या नहीं, तो गुस्सा तो आएगा कि नहीं, ऑलरेडी गुस्सा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, उसमें उपेक्षा, उपेक्षा में क्या होगा, उस किसी की बात को कुछ सुनेगा नहीं, सबका तिरस्कार करेगा, सबको हरण करेगा, सबके मान सम्मान पे क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा। वो समझेगा कि इसको करने से हमें कुछ बेनिफिट ही नहीं है, तो हम इसे क्यों करें, ठीक है। ये सारी प्रवृत्तियां क्या होती है, उसमें ऑलरेडी दिखाई देती है। इसके साथ साथ क्या होता है, बालक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना के प्रति उसका होता है, उसका लगाव होता है, जो रिलेशन होता है उसको, उसके अंदर से निकालना भी क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य, आपका रिलेशन जब किसी से हो जाता है, आपकी दोस्ती किसी से हो जाती है, ठीक है, आप किसी वस्तु के प्रति क्या करते हैं, लाइक करना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, ठीक है, उस वस्तु से क्या करते हैं, आपको दूर किया जाएगा, क्या करते हैं, आप रह नहीं पाइएगा वहां पे। हम ये भी देखते हैं कि वह क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, ये दोनों भी हो सकता है, निगेटिव या पॉजिटिव दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अत्यंत कठिनाई होती है उसको क्या करना है, इस बात के प्रति मोटिवेट करना, समझाना। इसलिए यदि किशोर को ऐसी करने की क्षमता अगर अक्सर दिखाई देती तो समाज, परिवार, समुदाय इत्यादि को क्या करना होगा, उसे अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहिए, अच्छा लगा रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके मैं उसमें क्या होते, अगर परिवार के साथ साथ उसमें शिक्षक भी इन्वॉल्व रहे, विद्यालय भी इन्वॉल्व रहे, समाज भी इन्वॉल्व रहे, तो विद्रोही बनने से हम क्या करते हैं, बालक को हम बचा सकते हैं, हम उसको मीड टू हिट को क्या करते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, उसको नैतिकता को हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और स्कूल में क्या होगा, समाज की प्रवृत्ति में क्या होगी, सकारात्मक सोचोगे। अब यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग बालक में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां क्या अस्पष्ट दिखाई देती हैं, वो अस्पष्ट उस चीज को क्या करता है, चाहता है, समझता है, लेकिन उसे क्या है, उसका निगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उस नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव को देखने के लिए क्या होगा, परिवार होगा, समाज होगा, समुदाय होगा, इसके साथ साथ ऑलरेडी क्या होंगे, शिक्षक होंगे। आपको हम प्रथम बार ही बोले थे कि बालक होता है उसका प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होता है, ठीक, बालक का प्रथम पाठशाला क्या होता है, परिवार होता है, और परिवार से निकलकर वह कहां जाता है, समाज में जाता है, ठीक है। इसके देखिएगा, परिवार से जब निकलेगा तो कहां जाएगा, विद्यालय में जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, समाज होगा, समाज परिवार के जितने क्या होगा, मम्मी पापा जितने भी होंगे, छोटे बड़े सब क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, उसके दुख दर्द समस्या को समझेंगे। लेकिन वही जब क्या होगा, विद्यालय में जाएगा तो उसकी समस्या को कौन समझेगा, शिक्षक समझेंगे, ठीक। और शिक्षक भी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन जैसे यह क्या किया, विद्यालय से निकलकर समाज में गया, तो समाज में कोई खास पर्सन ऐसा नहीं होता जो उस बच्चा को क्या करे, मोटिवेट करे, समझाए। आज प्रेजेंट में देखा जाता है, वर्तमान में देखा जाता है,
कि जब बच्चा क्या करता है, परिवार से निकलकर विद्यालय जाता है, वहां पे भी उसको गाइड मिलती है, लेकिन वही बालक जब विद्यालय से निकल सोसाइटी में जाता है, समाज में जाता है, तो अगर हम कुछ गलत करते हैं, उसे इल्डर हैं, बड़े हैं, और हमारे सामने कोई छोटा बच्चा आता है, तो क्या करते हैं, उसको हम गलत करने के लिए मोटिवेट करते हैं, रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, जागरूक करते हैं। अब जैसे हम मानते हैं कि हम एक समझदार, अगर हम खैनी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कुछ गलत हम कर रहे हैं, अगर मेरे सामने एक छोटा बच्चा आता है तो हम क्या करते हैं, शराब पियोगे, सिगरेट पियोगे, खैनी खाओगे, गुटखा खाओगे, तो बच्चा क्या होता है, असमझदार होता है, और उसको क्या करना है, वो करना क्या करता है, उचित समझता है। अगर उसी स्थान पे हमारे परिवार, आपके परिवार, आपका बच्चा, मेरा बच्चा अगर आए, तो हम वैसी वाणी निकालेंगे उसके सामने, वैसी बात हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो हम दूसरे के बच्चों के प्रति क्या करते हैं, ये हमारा सोच होता है कि हम उसको क्या करें, बिगाड़ें। तो ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां होती है जिस समय हमें क्या करना होता है, गाइड करने की जरूरत होती है, उसकी क्षमता योग्यता के अनुसार हमें गाइड करने की जरूरत होती है, ताकि वो बच्चा क्या करे, अपना ट्रिक है, अपना राह है, उससे क्या होगा, चेंजिंग ना हो सके। ठीक है, तो इतना हम लोग देखें। ठीक है, इसके आगे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ठीक है, अब उनको कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और उस समस्या का सामना क्या है। ठीक है, फर्स्ट में आपका आपका पॉइंट है, हर विधि व्यवस्था उनके मानसिकता के अनुसार करें, उनकी राय लेकर करें। ठीक है, परिवार हो या विद्यालय है, ठीक है, परिवार या विद्यालय क्या करें, उनके साथ मिलजुल कर विचार करें, मतलब विचार विचार साथ मिलकर करें, मैंने विचार विमर्श क्या करें, वो परिवार हो या समाज हो या विद्यालय, उनके से क्या करें, मिलजुल कर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उनके साथ अधिक से अधिक जिम्मेवारियां सौंपें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखते चलिए, नोट करते चलिए, अधिक से अधिक जिम्मेवारी सौंपे। अब ऐसा जिम्मेवारी ज्यादा ना समझ दे, सौंप दे कि वो बच्चा क्या है, उसको करने में क्या है, कठिनाई उसके महसूस हो। ठीक है, उसके साथ साथ उन पे पाबंदी कम करें, पाबंदी करें, लेकिन इतना ज्यादा पाबंदी, इतना ज्यादा उसको टॉर्चर ना करें कि तक पता चले कि और उसका ट्रिक चेंज हो जाए और बिगड़ जाए, पता चले घर छोड़कर भाग जाए। तो हम पाबंदी करें उनकी, क्या करें, उनकी जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशन है, उसको देखते हुए उसके साथ अब क्या है, ठीक है, उनमें ऊंच नीच समझाकर दोस्ती करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, उनमें क्या करें, ऊंच नीच समझाकर उनमें क्या करें, दोस्ती करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ साथ है एक और पॉइंट है, मित्रों की मान सम्मान परिवार में दे। ठीक है, ऊंच नीच समझाकर दोस्ती करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, उनको क्या करें, ऊंच नीच समझाकर उसको क्या करें, प्रेरित करें। प्रेरित करें, ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होती है कि करियर, उनका जो करियर, जो भविष्य होता है, करियर का फैसला ला दे।
अब कैरियर का फैसला नहीं लागे कि पता चले कि उनको बनना है शिक्षक और उनको हम बना दे आईएएस ऑफिसर, उसके पास उसका उतना पावर होगा तब तो, उसका कंटेंट होगा तब तो, समझने की प्रवृत्ति होगा तब तो, ये सारी चीज होनी चाहिए। केवल हमारी सोच के ऊपर क्या करता है वो डिपेंड नहीं करता। इसके साथ साथ क्या है, निर्देशन हम लोग चर्चा किए थे, निर्देशन केवल हम उसे निर्देश ना दे, निर्देशक बनकर हमें क्या करें उसे गाइड ना करें, उससे भी कुछ हम निर्देश लेने के हमारे पास क्षमता होना चाहिए, उनकी बात हमें क्या करना चाहिए सुनना चाहिए, ठीक है। उसे केवल निर्देश देने की और लेने की जरूरत नहीं है, निर्देशक न बनकर निर्देशक परामर्शदाता के रूप में व्यवहार करें, निर्देशक न बनकर निर्देशक और परामर्शदाता के रूप में उसे हम व्यवहार करें, वो भी जो बात बोले उस बात को हम क्या करें सुने समझे, और उसके लिए क्या करें साथ साथ हम समय दें, ताकि उसका भी जो मनोबल हो उसका भी मनोबल में क्या पॉजिटिव सेंस हो, सोचो कि हमारे बात को भी हमारे विचार को भी क्या किया जाता है सुना जाता है समझा जाता है, उसका भी हम लोग क्या करते हैं वैल्यू देते हैं मान सम्मान देते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति कोई दिक्कत, उसके साथ साथ है किशोर किशोरी के साथ अधिक से अधिक समय व्यर्थ करने के लिए उन्हें टाइम दे समय दे मौका दे, वो अपने लेवल होगा उस लेवल के बच्चों के साथ क्या मिलेगा जुलेगा तभी क्या होगा उसके मानसिकता में चेंजिंग होगा और उसका विकास होगा। उसको मोटिवेट कौन करेगा, उसका दोस्त करेगा, अरे छोड़ो ना जो होना सा वो हो गया, चलो हम लोग के साथ रहो इस चीज को तैयारी किए जाए फिर ये तो होगा ना। तो वहां पे क्या होती है सहानुभूति सिंपैथिक सोच भी होना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे पुरानी परंपरा पुरानी बात रूढ़िवादिता सोच उसके दिमाग में जो भरी है उसको समाप्त करके क्या करे कुछ नया करने के लिए नवीन नवीन करने के लिए क्या हो जागरूक हो जाए, ठीक है। ये सारी प्रवृत्तियां क्या होती है उसमें ऑलरेडी दिखाई देती है, ठीक है। और इसके साथ साथ उनमें समस्या कौन कौन सी होती है, अगर जब वैसी प्रवृत्ति बालक में आती है तो कुछ समस्याएं भी होती हैं। ये तो क्या था किशोर के मानसिकता के अनुसार कार्य नहीं मिलते तो क्या होते हैं ये सारी कदम उठाते हैं, अच्छा से बात नहीं करेंगे, अच्छा से सुनेंगे नहीं, अच्छा से भोजन नहीं करेंगे, किसी को अपने सामने कुछ वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। अगर उसको कार्य नहीं मिलता है तो कौन कौन सी उनमें क्या होती है समस्याएं उत्पन्न होती है, तो इतना तो हम जानते हैं आप समय में। अब फिजिकली शारीरिक, ठीक है, शारीरिक समस्या, शारीरिक समस्या, ठीक है। उसके बाद क्या होते मानसिक होगा, मानसिक हो गया, उसके बाद हो गया सामाजिक होगा, उसके बाद क्या होगा समायोजन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा व्यवहार होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, शिक्षा संबंधी समस्या आ सकती है, उसके बाद क्या होगा विभिन्नता आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा उसमें ईगो की भावना भी दिखाई देगी, ठीक है। अनेक प्रकार के उसका समूह जो संपर्क होगा रिलेशन होगा विपरीत लिंग के पास होगा के प्रति क्या होगी, ये सारी समस्याएं क्या होगी उनमें देखने होगी देखने को मिलेगी, ठीक है। स्थिति जो उनकी होगी उसमें क्या होगा चेंजिंग होगा, अपराध की प्रवृत्ति होगी, इसके साथ साथ देखिए अपराध की प्रवृत्ति, ठीक है। कौन कौन सी प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, अपराध की प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगी। समूह को क्या करेंगे वो महत्व नहीं देंगे, अब जिस यहां पर लिख सकते हैं समूह को महत्व न देना, ठीक है। उनकी जो वाणी होगी अस्पष्ट नहीं होगी, किसी से अच्छा से बात नहीं करेंगे, ठीक है।
ये सारी क्या होते हैं, उनमें देखने की मिलती है। अनुशासन की बात है, अनुशासन समाप्त हो जाएगा, अनुशासन, अनुशासन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, हो जाना, ठीक है। अब फिर उसमें क्या होगी, परिपक्वता जो होनी चाहिए समाप्त हो जाएगी, जैसे परिपक्वता की समाप्ति, ठीक है। तो अगर बालक के मानसिकता के अनुसार कार्य जब नहीं मिलती है तो क्या होता है, फर्स्ट में देखिए शारीरिक समस्या, फिजिकली जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, क्या होता है, वो नहीं हो पाता, क्योंकि उससे उनका क्या होता है, जो लगाव होता है, जो रिलेशन होता है, जो झुकाव होता है, उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वो कर भी नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें आ गया परिपक्वता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते करते इतना अनुभव हो जाता है कि उसमें क्या होता है, वह जानकार परिपक्व हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई टीचर ऐसा होगा कि पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव होगा कि उसे कभी कॉपी कलम की जरूरत भी नहीं, उसके मानसिकता में क्या, वो पूरा भर गया है, ठीक है। अब जैसे क्या है, वही मानसिकता है, उसका मानसिकता जो होगा, मेंटेलिटी होगा, एक निश्चित लिमिट स्थान पे नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, अलग अलग डाइवर्ट होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद हो गया सामाजिकता। अब सामाजिकता ऑलरेडी समझते हैं कि सामाजिकता है क्या, समाज में क्या करना, एक दूसरे के प्रति कैसा रिलेशन होना चाहिए, ना उसको छोट समझ में आएगा ना बड़ समझ में आएगा, किसका मान सम्मान देना चाहिए, किससे मान सम्मान लेना चाहिए, उसको क्या होगा, ये सारी चीज कुछ नहीं समझ में आएगा, वो अपने बुद्धि के अनुसार करेगा। जब बैठेगा, जिससे बात करे, खाए पिए, नहीं खुश रहे, नहीं रहे, वो सब क्या है, उसके बाद वो जानता है। उसके बाद में समावेजन, एडजस्टमेंट, अगर हम जिसे किसी को प्यार देंगे तब तो हमको कोई प्यार देने वाला होगा, अगर हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करेंगे तो हमसे भी कोई क्या करेगा, ईर्ष्या करेगा। अगर हमारे प्रति किसी के सहानुभूति है, सिंपैथिक सोच, तो हमारे प्रति भी क्या होगा, किसी एक दूसरे की सिंपैथिक सहानुभूति सोचोगा, ठीक है। हम किसी दूसरे का सहयोग करेंगे तब तो हमें कोई दूसरा कोई सहयोग करने वाला है। उसके बाद क्या है, व्यवहार, उनका जो व्यवहार होगा वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसा क्या करेंगे, वाणी बोलेंगे, और कुछ ऐसा बात बोलेंगे, किसी को कोई व्यक्ति क्या करेगा, उस बात को लाइक नहीं करेगा। उसके बाद शिक्षा, जो शिक्षा का स्तर होता है, जो लेवल होता है, वो क्या होगा, उसमें गिरावट कमी महसूस होगी, क्यों, कि जो उनका मानसिकता है क्या है, एक निश्चित स्थान पर नहीं है, वो क्या है, उसमें चेंजिंग हो गया, जो उनकी सोच है कुछ क्या गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, विभिन्नता, और उसमें क्या होगा, अनेक प्रकार के डिफरेंस देखने के मिलेगी, अनेक प्रकार के अंतर देखने के मिलेंगे, वो जहां रहेंगे वहां पे क्या करेंगे, तुलना करते रहेंगे एक दूसरे के, हम ऐसा थे तो हमारा ये नहीं हुआ, वो ऐसा था तो उसका कैसे हो गया, तो वहां पे ज्यादा सोचने समझने की क्या है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें कहीं क्या ना होगा, कुछ ना कुछ हमें क्या होगा, कमी होगा, जिसकी वजह से हम क्या होंगे, उस मंजिल को हम प्राप्त करने में क्या है, असफल हो गए, फिर से हम क्या करेंगे, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम तैयारी करेंगे, फिर से उस मंजिल पर चढ़ने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। तो जब तक हम क्या करें, हमें कमी रहेगी, हमारा मंजिल नहीं मिलेगा, तो इससे क्या है, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, और सफलता के पीछे ही क्या है, सफलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ईगो घमंड। अक्सर कभी कभी होता है कि हम इतना जानकार हो जाते हैं कि हमारे पास घमंड हो जाता है, अरे इसको तो हम कुछ कर भी देंगे, इसमें कुछ है। अब बेचानस किसी को समझा के पिछड़ जाते हैं तो हम अफसोस खाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके पास क्या है, विपरीत के प्रति आकर्षण या विकर्षण, एक दूसरे के प्रति लगाव या उदासीनता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, उसका उदासीनता महसूस होती है, ठीक है। ये सारी भावनाएं क्या होती है, उसके मानसिकता के अनुसार कुछ नहीं मिलने पर, नौकरी हुआ,
शादी व्यवसाय तभी दिक्कत होता है, अनुशासन समाप्त। वैसे बच्चे होते हैं जिनके पास क्या होता है, अनुशासन नाम का चीज नहीं होता, मतलब आधा दिमाग समझो ना। क्लास में पढ़ाइएगा पढ़िएगा तो पता चलेगा उसको कब अंदर आना है और कब बाहर जाना है। एग्जाम जब होगा तो कहेगा कि सर हम फाइनल एग्जाम में लिखेंगे, इंटरनल एग्जाम में कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो आए थे फॉर्मेलिटी अदा करने, एक पेज लिख दिए चलेगा। तो जब बताइए वो इंटरनल को एग्जाम नहीं समझेगा तो फाइनल का एग्जाम समझेगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्या है कि अगर बालक के मानसिकता किशोर के मानसिकता के अनुसार कार्य नहीं मिला तो क्या करते हैं, ये सारी प्रवृत्तियां उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, फोकस करिए और इसको समझिए और फिर से इसको क्या करिए, ये वीडियो है एक बार दो बार देखिए और इस पे क्या करिए, अपने मानसिकता अपनी क्षमता के इसमें क्या करिए, कुछ एडिट कीजिए, कुछ जोड़िए। अब ये नहीं कि हम बता दिए हम समझा दिए वो सब बहुत अच्छा है, ऐसी भावना क्या कभी नहीं होनी चाहिए आपने। अरे यहां पे आप आए हैं तो आप समझिए कि हम और भी टीचर हैं, ऐसा बात कुछ नहीं है। आप भी टीचर हैं, आप भी शिक्षक ऑलरेडी हैं जिस तरह हम हैं। तो यहां पे शिक्षक कोई नहीं है, सब कोई क्या है, एक समान है। आपसे कुछ हम सीख रहे हैं, हमसे आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको पहले ही बताएं कि चाणक्य बीएड कॉलेज के नाम से क्या है, यूट्यूब पर अपलोड है, अशरफ चाणक्य बेतिया के नाम से भी क्या है, यूट्यूब पे अपलोड है, फेसबुक पे अपलोड है, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने दें, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर हम आपके लिए आएंगे।